तो दोस्तों आपसे जो है आपको जो है जो वीडियो में दिखाऊंगा वो वीडियो में दोस्तों आपको ब्लॉगिंग का भी वीडियो दिखा दूंगा और कुछ जो है जरूरी टिप्स भी मतलब मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं जो है छुट्टी ज़्यादा मुझे मिल नहीं पाता है। छुट्टी के दिन जैसे मतलब कि फ्राइडे के दिन छुट्टी मिलता है तो फ्राइडे के दिन मैं ज़्यादा जो है घूम नहीं पाता हूँ। तो आज मैं आया था तो मैं सोचा कि थोड़ा मतलब कि आपको ब्लॉग भी दिखा दूँ और उसके बाद में जो है कुछ जरूरी टिप्स भी दे दूँ। तो हमारे चैनल पे काफ़ी सारे भाई जो है कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि भाई मेडिकल जो है कब होता है, वीज़ा आने के पहले या वीज़ा आने के बाद, और PCC कब कराना चाहिए, मतलब कि वीज़ा आने के बाद PCC होता है या वीज़ा मतलब कि वीज़ा आने के पहले ही। तो मैं दोनों चीज़ को जो है इस वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि काफ़ी भाइयों के जो है कमेंट थे मेरे चैनल पे कि भाई आप जो है बताओ कि कब जो है ये कराना सही होता है। तो सबसे पहले मैं मेडिकल का बता दूँ दोस्तों, तो नॉर्मल मेडिकल जब भी आप कुवैत के लिए अगर किसी ऑफिस में आप मतलब कि सेलेक्ट होते हैं, चाहे वो एजेंट के जरिए हो चाहे आप किसी ऑफिस के जरिए हो, तो अगर आप मतलब कि किसी ऑफिस में आप कुवैत के लिए सेलेक्ट हो गए हैं तो आपको सबसे पहले नॉर्मल मेडिकल होता है, जैसे सेलेक्ट होता है वैसे ही। तो आप नॉर्मल मेडिकल करा के जब जो है उनको मेडिकल नॉर्मल मेडिकल फिट का जो है ये दे देंगे सर्टिफिकेट, उनके पास जब जमा हो जाएगा तो उनको लगेगा कि हाँ इनका नॉर्मल फिट है, तो आपका काम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन गमका मेडिकल जो है होता है दोस्तों, तो गमका मेडिकल जो है वीज़ा आने के बाद होता है, क्योंकि एंट्री वीज़ा जो होता है वो एंट्री वीज़ा आने के बाद वीज़ा के साथ में ही जो है गमका मेडिकल कराया जाता है। और उसके बाद में जो गमका मेडिकल जो मतलब कराते हैं तो वीज़ा उसमें आने में कम से कम मान के चलिए कि एक महीना पहले, मतलब एक महीने के अंदर आ जाता था, लेकिन अभी क्या है कि कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ये चल रहा, ये हो गया है, मतलब कि प्रोसेस काफ़ी लो हो, मतलब ढीला चल रहा है एकदम। तो अभी मतलब आपको ये मान के चलिए कि वीज़ा आने में आपको कम से कम एक महीने से दो महीने तक मतलब लग जाएंगे, या हो सकता है 3 महीना भी मतलब लग जाए। तो मतलब कि इस तरह से जो है किया जाता है। हालांकि मेडिकल जो है नॉर्मल मेडिकल पहले होता है और वीज़ा आने के बाद गमका मेडिकल होता है, और वीज़ा आने में कम से कम 1 से 2 महीना या किसी किसी का 3 महीना भी मतलब लग जाता है। तो जो है ये जो है आपको मेडिकल और वीज़ा का जो है ये समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है ये करते हैं। और अभी जो है मैं आपको बताऊंगा कि PCC मतलब कब कराना चाहिए। तो PCC दोस्तों पहले जो होता था PCC वो मतलब कि वीज़ा मतलब कि आने के बाद से PCC पहले कराया जाता था, लेकिन अभी क्या है PCC का प्रोसेस जो है चेंज हो गया है। यानी आप अगर PCC कराने के लिए जाते हैं तो आप भी पासपोर्ट के जैसा ऑनलाइन जब करवाएंगे तो आपको 1 महीने से 1.5 महीने का जो है टाइम जो है मिलेगा, तो 1.5 महीने का जो अपॉइंटमेंट का ये मिलेगा, टाइम मिलेगा। तो वीज़ा आने के बाद से काफ़ी ज़्यादा उसमें डिफरेंट हो जाता है और लेट हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो अभी इस समय जो है क्या होता है कि वीज़ा मतलब कि आने के पहले ही PCC मतलब करा दिया जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है उस ऑफिस पे कि मतलब वो ऑफिस एकदम मतलब कि कंफर्म है ना कि हाँ आपको वीज़ा दिला देगा। क्योंकि एजेंट लोग क्या है कि अगर मान लो आपसे पैसे ले लेंगे या आपसे मतलब कि बोल देंगे कि हाँ आपका वीज़ा जो है आ गया है और आप PCC करा लो, तो अगर वीज़ा आपका नहीं आ रहेगा या आप भरोसेमंद कोई आदमी नहीं है तब आप PCC कराएंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा तो आपका PCC जो है वो मतलब कि बेकार हो जाएगा। और कुछ भाइयों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि भाई PCC की वैलिडिटी कितनी होती है। तो दोस्तों PCC पे एक्सपायरी डेट जो है नहीं लिखा होता है, आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि PCC जो है एक्सपायर होता है, PCC एक्सपायर नहीं होता है कभी भी। वो चाहे मतलब एक महीना मतलब कि लग जाए आपका जाने में, चाहे 2 महीना चाहे 4 महीना, अगर ऑफिस वाला या आपका एजेंट उसको सेलेक्ट कर लेता है PCC को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है 6 महीने के अंदर अंदर PCC मतलब चले जाना चाहिए, यानी कि 6 महीने के अंदर आपका हो जाना चाहिए, नहीं तो 6 महीने से ज़्यादा होगा तो दोबारा आपको PCC कराना पड़ेगा। तो मैं काफ़ी भाइयों के जो है कमेंट देखता हूँ भाई, और जो भी कमेंट रहता है मैं कोशिश करता हूँ यार कि मैं उस टॉपिक पे जो है वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँ, ताकि जो भी हमारे भाई जो है आना चाहते हैं कोई तो बहुत ही आसानी से जो है आ जाएं और उनको जो है किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि दोस्तों मैं जब जो है कुवैत में आया था तो ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं था जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे दोस्तों मैं समुंदर के पास में हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लहर चल रही होगी और आपको जो है आवाज़ भी मेरा बराबर नहीं आता होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि आपको जो है बता दूँ क्योंकि काफ़ी भाइयों के कमेंट थे। दोस्तों इंस्टाग्राम पे मैं जो है अपना आईडी जो है डालते रहता हूँ, इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, अरविंद लोधी 555 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आपको अगर कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी बता दूं कि काफ़ी भाई हमारे जो हैं वो डायरेक्ट जो है कॉल ही कर देते हैं इंस्टाग्राम पे, तो डायरेक्ट आप कॉल मत कीजिए। अगर आपको कुछ भी जानकारी जो भी चाहिए वीज़ा से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, या मान लो कैसे यहाँ का रहन सहन है, कैसे खान पीन है,
तो मैं ऑलरेडी जो है वीडियो जो है डाला हूँ, आप जो है देख लीजिए। डायरेक्ट मुझे कॉल करेंगे तो भाई डायरेक्ट मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मालूम है मतलब डायरेक्ट ऐसे कितने ऐसे लोग हैं डायरेक्ट जिनका मैं कॉल उठाता हूँ तो वो मतलब कि कुछ भी पूछने लगते हैं यार। बोलते हैं यहाँ पे सेब कैसे मिल रहा है, केला कैसे मिल रहा है, क्या यार ये क्या बात होती है भाई। तो ऐसा प्लीज मत करो यार, मैं भी काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार आप लोगों के लिए मैं थोड़ी बहुत जो है इन्फॉर्मेशन लाता हूँ, मैं इतने मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप लोग यार मतलब कि ऐसा मत करो। हालांकि सब भाई ऐसे नहीं करते हैं, मैं सबकी जो है रिस्पेक्ट करता हूँ। जो भी भाई ज़रूरतमंद हैं वो जो अगर चाहते हैं कि हाँ उनको कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिले तो जो है उनको मैं अपने स्तर से जो है देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जो भी भाई हमारे जिनको लगता है कि हाँ हमारा वीडियो थोड़ा मतलब जानकारी वाला है या नॉलेज पर्पज़ के लिए मतलब इन्फॉर्मेशन लेवल है, वो चाहते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।